बड़ी खबर लखनऊ से, जहां किन्नर समाज ने अब सीएम योगी और चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा है। निकाय चुनाव में किन्नर समाज की आरक्षण की मांग है। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने यह पत्र लिखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी पत्र लिखकर आरक्षण की मांग की है। इस मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई भी होगी। तो किन्नर समाज की तरफ से देखिए एक और पत्र लिखा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी पत्र लिखकर आरक्षण की मांग की गई है। मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी सुनवाई होगी। देखिए निकाय चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी है, जहां किन्नर समाज की तरफ से भी आरक्षण की मांग की गई है और चीफ जस्टिस को और मुख्यमंत्री को भी देखिए पत्र लिखा गया है। और चलिए अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे अखिलेश की। दिल्ली से 24 का संदेश, क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी का चुनाव जीता है अखिलेश यादव खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि उन्होंने अभी से 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अखिलेश यूपी, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को मिलाकर एक नया फ्रंट बनाना चाहते हैं, जिसकी एक बड़ी झलक आज दिल्ली में उस वक्त आपको बीते कल भी दिखाई दी थी, जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपनी राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली दफ्तर का उद्घाटन कर रहे थे। इसी मौके पर अखिलेश यादव और केसीआर एक साथ मंच पर मौजूद थे। अब सवाल बड़ा यह है कि अखिलेश जो तीसरा मोर्चा बनाने में लगे हुए हैं, क्या वो 24 की पिच पर पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा? तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे अखिलेश, दिल्ली से 24 का संदेश। मैनपुरी की जीत से जोश हाई, अब दिल्ली में होगी लड़ाई। मैनपुरी लोकसभा ने और यहाँ के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को जिता के एक नई ऊर्जा दी है। अखिलेश के साथ केसीआर, महागठबंधन की जमीन तैयार। दो हजार चौबीस की चुनावी जंग में भले ही अभी 15 से 16 महीने की देरी हो, लेकिन अखिलेश ने अभी से चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, क्योंकि ये 3 दिन में तीसरी बार है जब अखिलेश तीसरे मोर्चे की तैयारी करते नजर आए हैं। 12 दिसंबर को अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम केसीआर को एक मंच पर लाने की बात कही थी। देखिए, जो एक्सरसाइज लगातार चल रही है, कभी आपने बहुत दिनों से देखा होगा, आदरणीय ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने। अब 2 दिन के भीतर ही अखिलेश और केसीआर एक मंच पर एक साथ नजर आए हैं। हालांकि ये मौका टीआरएस के बीआरएस बनने का था, लेकिन इसका मकसद 24 की पिच पर तीसरे मोर्चे को एकजुट करने से जोड़ा था, जहां न सिर्फ अखिलेश और केसीआर मौजूद थे बल्कि कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी भी थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दिल्ली आए और यहां पर उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इतना ही नहीं, आज अगर बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल के अब बीआरएस कर दिया, यानी कि भारत राष्ट्र समिति, और लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव। तैयारी चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो ऐसे में तमाम सारे राज्यों के क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने की कोशिश तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। पहले सिर्फ यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को साथ लेने की चर्चा थी, लेकिन अब तीसरे मोर्चे की गोलबंदी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और हर दिन एक नया चेहरा इसमें जुड़ता जा रहा है। जिस तरह से केसीआर के दिल्ली दफ्तर के कार्यक्रम में एचडी कुमार स्वामी शामिल हुए, क्या वो इस फ्रंट का हिस्सा भी बनेंगे? क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी का चुनाव जीता है, अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई हो गया है और अब अखिलेश मुलायम के नक्शे कदम पर चलते हुए दिल्ली की घेराबंदी में जुट गए हैं। मैनपुरी लोकसभा ने और यहाँ के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को जिता के एक नई ऊर्जा दी है। मैं एक बार फिर मैनपुरी के सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ। 2024 में हम लोग दिखा देंगे कि बीजेपी की हरकत को कैसे बंद किया जाता है। और उल्टी गिनती तो शुरू हो गई थी बिहार से ही, पटना से शुरू हो गई थी, और पूरे देश में संदेश जा रहा है कि जैसे भी हो हमें इकट्ठा होकर जो विपक्षी लोग हैं बीजेपी सरकार को हटाना है।
तो इसका एक बड़ा हिस्सा है जो माने अखिलेश यादव ने आज की। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बात किए। वही अगर बात की तो नीतीश कुमार भी लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में उपचुनाव में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में डिम्पल यादव को जेडीयू ने समर्थन दिया था और खुद जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी प्रचार के लिए पहुंचे थे। तो 2024 से पहले तमाम तैयारियां की जा रही है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की। लेकिन उधर भाजपा दिल्ली में हो रही हर घटना पर बराबर नजर बनाए हुए है। हालांकि भाजपा का दावा है कि सपा कितने भी गठबंधन कर ले इसका जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी ये बनाए उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी अभी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में आई थी तो कितनी सीटें जितवा गई अखिलेश यादव को। अखिलेश बंगाल चले जाएंगे उनके लिए क्या उनको कितना सीट जिता देंगे। अखिलेश अभी तेलंगाना जाएंगे तो वहाँ कोई वोट बढ़ा देंगे उनका क्या। या KCR अगर चले आएंगे यहाँ के ऊपर उत्तर प्रदेश में तो इनके कोई एक सीट इनको जितवा देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अखिलेश जी देख चुके हैं जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा रालोद से बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको भी परास्त किया था। तीसरे मोर्चे की मोर्चाबंदी कितनी कारगर होगी ये तो 2024 के चुनाव में ही साफ होगा। लेकिन एक बात जो इस मोर्चे की तैयारी ने साफ कर दी है वो ये कि इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ाई 3 मोर्चों से लड़ी जाएगी, जिसमें एक तरफ भाजपा और उसके साथी दल होंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी, और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल होंगे। और इनमें से जो जीतेगा वही बनेगा दिल्ली का सम्राट। ABP गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।